हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल्स अगर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रेव ब्राउजर से रिलेटेड एक और अपडेट देना चाहता हूं। लेकिन आइए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्रेव ब्राउजर है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि ब्रेव ब्राउजर क्या है और लोग इसे क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रेव ब्राउजर क्या है। ब्रेव ब्राउजर एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, बिल्कुल जैसे गूगल क्रोम है वैसे ही ब्रेव ब्राउजर है। लेकिन ये ओपन सोर्स क्रोमियम जो है, जो कि गूगल क्रोम का ही सॉफ्टवेयर है क्रोमियम, उसी के सोर्स कोड को लेकर के ब्रेव ब्राउजर बनाया गया है। लेकिन ब्रेव ब्राउजर में एक अलग खासियत है। ब्रेव ब्राउजर की खासियत यह है कि ये आपके ऑलरेडी जितने भी आप लोग वेबसाइट पे सर्व करेंगे, ये ऑलरेडी एड ब्लॉक रखेगा। आपके जितने भी ट्रैकर्स होते हैं जो आपको ट्रैक करते रहते हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं, ये आपकी पूरी जानकारी वो लेते रहते हैं, आपकी कुकीज को देखते रहते हैं ताकि वो ऐड दिखा सके। ये ब्रेव ब्राउजर इनमें से कुछ भी ट्रैक नहीं होने देगा, आपको बिल्कुल सेफ रखता है और आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखता है। हमेशा आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, आप फास्ट और सिक्योर ब्राउजिंग कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐड नहीं दिखेगा। तो आपका ब्रेव ब्राउजर में जब भी आप कोई वेबसाइट खोलेंगे वो बहुत ही फास्ट खुलेगी, ये बहुत जल्दी खुल जाएगी वो वेबसाइट आपको, और काफ़ी साफ सुथरा दिखेगा। जैसे बहुत बार आप लोग वेबसाइट पर जाते होंगे तो आप लोगों को वहाँ पर कुछ ना कुछ एड्स, कुछ ना कुछ पॉपअप्स ओपन हो जाते हैं। आप खोलना क्या चाह रहे हैं, खुल क्या रहा है, अलग अलग तरह के एड्स दिख रहे हैं, इतनी तरह की परेशानी आती है आप लोगों को। तो ये चीज़ ब्रेव ब्राउजर में बिल्कुल नहीं आएगी। ब्रेव ब्राउजर ऑटोमेटिकली जितने भी तरह की परेशानी होते सब ब्लॉक कर देता है, जितना एड्स आता है, जितना पॉपअप आता है, सब ब्लॉक रखता है। इसके बाद इसकी एक और खासियत यह है कि आप लोगों को इसमें कोई भी प्लगइन्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। जैसे कि आप लोग गूगल क्रोम में प्लगइन्स इंस्टॉल करते होंगे, एड ब्लॉक, पॉपअप ब्लॉकर, गूगल क्रोम के वेब स्टोर पर जाकर के आप लोगों को 10 चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती होगी। इस वजह से गूगल क्रोम बहुत लेट से ओपन भी होता है। ये वजह है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, जितना ज़्यादा आपके क्रोम में एक्सटेंशन रहेंगे उतना लेट से वो आपका ब्राउजर ओपन होगा। फिर बाकी तो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो आपका सिस्टम कितना फास्ट है, कितना जल्दी प्रोसेस कर लेता है। गूगल क्रोम में जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होता है उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, लेकिन ब्रेव ब्राउजर ये झंझट ही खत्म कर देता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट, इस ब्रेव ब्राउजर में इनबिल्ट आपको सब चीज़ मिल जाएगा। जितना भी एड्स ब्लॉकर, जितने भी पॉपअप ब्लॉकर हैं, सब तरह की प्राइवेसी मिल जाएगी आपको, पूरी तरह से कंप्लीट सेफ कर देता है आपको। एक और इसमें एक और खासियत मैं आपको बता दूं, ये आपको जब आप विंडोज वर्जन इसका डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको टॉर ब्राउजर इनबिल्ट मिलता है। इसमें आप टॉर सर्व कर सकते हैं, वो भी आपको अलग अलग आईपी से। जैसे आप लोग जानते होंगे टॉर ब्राउजर, अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, कार्ड में मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से पता चल जाएगा कि टॉर ब्राउजर क्या है और आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप इस ब्रेव ब्राउजर में टॉर भी यूज कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं, आईपी एड्रेस यानी जो के काम आप लोगों को वीपीएन देता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वही चीज आप लोग यहां पे भी ले सकते हैं। यहां पे आपकी आईपी चेंज करने का भी ऑप्शन इसमें रहता है इनबिल्ट। इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। ब्रेव ब्राउजर ऑलरेडी ये सब फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ एक और खासियत इसकी ये भी है कि आप लोग इसमें पैसे कमा सकते हैं। पैसा ऐसे कमा सकते थे कि अभी इसमें फीचर्स इतना है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें फीचर्स है कि जब आप वेबसाइट सर्व करेंगे तो ब्रेव ब्राउजर अपने पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाता है ये आपको आपके इंटरेस्ट के बेस पे ही एड दिखाता है और आपका कोई भी डाटा ट्रैक नहीं करेगा। तो आपको उस एड्स को देखने के आपको पैसे मिलेंगे, ये बात आप लोग दिखा दे। पैसे का मतलब यहाँ पे बैट, बेसिक अटेंशन टोकन। बेसिक अटेंशन टोकन उन लोगों की एक करेंसी है जिसमें वो आप लोगों को करेंसी प्रोवाइड करते हैं, बैट टोकन प्रोवाइड करते हैं वो। एक्चुअली आप लोगों को वो टोकन्स आपके वॉलेट में प्रोवाइड करेंगे। वॉलेट भी आपका ब्रेव ब्राउजर के इनबिल्ट रहेगा, वो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे उसमें भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कार्ड्स में दे दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो आता है वीडियो के एंड होने पर वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें भी मैंने बताया कि बेसिक अटेंशन टोकन आपको कैसे मिलेगा, कैसे उसमें ब्रेव ब्राउजर में वॉलेट है, ब्रेव ब्राउजर के वॉलेट में आप लोगों को बैट टोकन्स मिल जाएंगे। बैट टोकन्स का मिलने का मतलब मैं आपको बता दूं, बैट टोकन्स जब मिलेंगे तो जो नॉर्मल पब्लिक सर्व करती है उनके पास क्या ऑप्शन था, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो नॉर्मल पब्लिक ब्रेव ब्राउजर यूज करेगी उन तक ये ऑप्शन था कि उनको पैसे और बैट के टोकन्स मिलेंगे, यानी उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनके एड्स देखने के। तो नॉर्मल पब्लिक जिनको ये ऑफर था, जिनको बैट के टोकन्स मिल रहे थे, उनके पास सिर्फ इतना ऑप्शन था कि वो लोग उस टोकन को, जो भी ब्रेव ब्राउजर यूज करने वाले क्रिएटर्स हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी मतलब जैसे यूट्यूब चैनल है जिनका, जिनका ब्लॉग है, अगर वो लोग भी ब्रेव ब्राउजर पे हैं, अगर वो लोग भी ब्रेव ब्राउजर यूज करते हैं, तो उनको नॉर्मल पब्लिक डोनेट कर सकती थी अपना फंड। यानी जो नॉर्मल पब्लिक ने अपने ब्रेव ब्राउजर में कुछ एड्स से कुछ अगर बैट के टोकन्स कमा लिए, तो वो लोग अपने फेवरेट क्रिएटर्स में, फेवरेट ब्लॉग पे, फेवरेट वेबसाइट पे वो लोग जाके उसे डोनेट कर सकते थे। सिर्फ इतना ही ऑप्शन था नॉर्मल पब्लिक के पास। और क्रिएटर्स जो कि ब्लॉग को चला रहे हैं, जो कि यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो कि ब्रेव ब्राउजर पर रजिस्टर्ड हुए हुए हैं, वो लोगों के पास ऑप्शन था कि वो पैसे को वो लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उनके कैश में, उनके क्रिप्टो करेंसी में वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपहोल्ड के थ्रू। अपहोल्ड के बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा। अपहोल्ड के थ्रू वो लोग कन्वर्ट कर सकते थे पैसा, लेकिन नॉर्मल पब्लिक के पास ये ऑप्शन नहीं था। अभी के अपडेट में ये आया है कि
जल्द ही आप लोगों को जो नॉर्मल पब्लिक है उनके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि वो अपने एड्स के पैसे जो मिलते हैं, उनके टोकन जो मिलते हैं, उनको वो कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे, जल्द ही उसे विड्रॉ कर सकेंगे, उनके जो टोकन्स हैं वो लोग अपना निकाल सकेंगे, अपने टोकन्स को वो लोग विड्रॉ कर सकेंगे अपने अकाउंट में और वो अपना यूज खर्च कर सकेंगे। यानी कि उनको डोनेट करना ना करना वो उनकी मर्जी होगी। मैंने पिछली वीडियो में जो ब्रेव पे बनाई उसमें भी मैंने आपको दिखाया है कि ऑटो कंट्रीब्यूट ऑफ कर देना है। अगर आप लोग कमाना चाहते हैं तो ऑटो कंट्रीब्यूट ऑफ कर देना आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऑटो कंट्रीब्यूट ऑफ करने से आपका ब्रेव ब्राउजर किसी को भी जहां तहां, मतलब कि जो भी आप जिस भी जगह पे आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट कर देगा, यानी डोनेट कर देगा वो ऑटोमेटिकली। तो अगर आप उस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑफ रहेगा और वो किसी को भी बिना आपके मर्जी के कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग उसे देख जरूर लेंगे। अभी क्या ऑप्शन में ये आया है कि वो आप लोग कंट्रीब्यूट अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करें, आप लोग उसे अपना अपने पास लाना चाहते हैं, अपने वॉलेट में लाना चाहते हैं, उसे खर्च करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों के पास धीरे धीरे वो फ्यूचर में ऑप्शन आने वाला है। जल्दी अपडेट है ब्रेव ब्राउजर की तरफ से, ब्रेव ब्राउजर की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट है कि जल्दी उसमें नॉर्मल पब्लिक भी जो नॉर्मल लोग जो हैं वो लोग भी अपने पैसे को, अपने टोकन्स को विड्रॉ कर सकेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि आप लोग ब्रेव ब्राउजर जरूर इंस्टॉल करें। ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल करने से आप ही को फायदा होने वाला है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो में बताया हुआ है कि ब्रेव ब्राउजर क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो ब्रेव ब्राउजर है ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। यानी अगर आप iOS यूज करते हो, यानी मैक यूज करते हो, या फिर एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, या विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, तो आप लोग भी ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको ब्रेव ब्राउजर पे जाना होगा, ब्रेव ब्राउजर का लिंक आपको मिल जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी आप लोग ब्रेव ब्राउजर पर रजिस्टर करें हमेशा किसी के रेफरल लिंक से रजिस्टर करें। रजिस्टर आप लोग अगर किसी के भी रेफरल लिंक से करेंगे तो आपको भी बोनस मिलेगा और सामने वाले को जिसका लिंक है उसको भी बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं उसका फायदा क्यों देखूं, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं मैं उसको फायदा क्यों करूं, तो अगर आप लोग ऐसा लगता है कि आप लोग उसका फायदा नहीं करें तो आपका अपना भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको भी कोई टोकन्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आप किसी के रेफरल लिंक से रजिस्टर करेंगे तो आपको भी कुछ टोकन्स पहले मिलते हैं, 20 टोकन्स आपको भी मिलते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको कोई टोकन्स चाहिए रजिस्टर करने के साथ ही तो आप लोगों को किसी के रेफरल लिंक से करें, फिर चाहे आप मेरे रेफरल लिंक से करें या फिर अपने किसी दोस्त के रेफरल लिंक से करें, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग हमेशा, मैं बता दूं कि आप लोग हमेशा रेफरल लिंक से ही ब्रेव ब्राउजर को डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर करें। अगर आप लोग क्रिएटर हैं तो आप लोग क्रिएटर पे भी जाके अपने रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आप लोग विड्रॉ कर सके। और फ्यूचर में तो नॉर्मल लोगों के लिए भी ये फीचर आने वाला है कि वो लोग अपना फंड विड्रॉ कर सकते हैं अपने वॉलेट में। अगर आप लोग डोनेट करना चाहते हैं अपने फेवरेट क्रिएटर्स के कुछ बैट, अगर वो लोग ब्रेव रजिस्टर है तो आप लोग उनको डोनेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डोनेट करना तो आप लोग आसानी से, अगर आपके पास कोई बैट नहीं है, बैट के टोकन नहीं है, तो आप लोग उसे ऐड भी कर सकते हैं। ब्रेव ब्राउजर में ऐड फंड्स के नाम से वहां पे ऑप्शन रहता है, उसमें आप लोग अपना बैट टोकन ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं ज्यादातर लोग ये करेंगे नहीं, क्योंकि सब लोग यहां पे आते हैं तो कमा नहीं का सब आदमी सोच रहा है। तो आप लोग भी, मैं बता दूं, आप लोगों को भी मैं बता दूं कि वहां पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके भी आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स को, अपने ब्लॉग क्रिएटर्स को, अपने यूट्यूब पार्टनर को, जो मतलब जो भी आप लोगों का यूट्यूब क्रिएटर्स आप लोगों को पसंद हो, आप उन लोगों को भी डोनेट कर सकते हैं। अभी तो बहुत कम यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो कि ब्रेव ब्राउजर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन आगे बहुत से क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो कि ब्रेव ब्राउजर पर रजिस्टर्ड होंगे, तो उन लोगों को आप लोग डोनेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके कोई फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर्स हो, उनको आप डोनेट करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐड करके टोकन डोनेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रेव ब्राउजर आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ब्रेव ब्राउजर बहुत ही अच्छा ब्राउजर है, आप ही लोगों को बाद में काम आएगा, इसलिए आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लें। आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा नीचे, हम लोगों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे लिंक से नहीं खरीदना चाहते, आप लोग कोई किसी अपने दोस्त के लिंक से खरीद लें, उस आपके दोस्त को फायदा हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, हमेशा रेफरल लिंक से करें। अगर आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, यह आप लोगों को बहुत फायदा देगा। आगे ब्रेव ब्राउजर बहुत बढ़ चुका है, अभी बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं, काफी सारे लोग इसे, जो लोग जानते हैं इसके फायदे को वो लोग इस पे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लें, इससे आप लोग को फायदा होगा, आगे आप लोगों को ही एड्स के पैसे मिलेंगे, बिल्कुल आपको जो एड्स दिखेंगे उसी के पैसे आप लोगों को मिल जाएंगे और आप लोग उसे विड्रॉ भी कर सकेंगे। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों ने ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोग जरूर बताएं इस बात को कमेंट में। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग ब्रेव ब्राउजर यूज नहीं करते लेकिन उनको बहुत सारे एड्स आते हैं, क्योंकि वो क्रोम यूज करते हैं तो उनको बहुत सारे क्रोम पे एड्स देखते हैं, तो अगर वो लोग एड्स से परेशान हो चुके हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें, उससे उनका फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप तक आती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, इससे आपको हमारे वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।